हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको आप ही के एसएमकेसी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे ना, मैंने उसके बारे में है ना 40 पैसे पर जब वो स्टॉक था तब मैंने वीडियो बना के आपको सूचित किया था कि आप ये स्टॉक ले लो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मैंने सजेशन दिया था, सूचित किया था, पर मैंने कोई आपको ऑर्डर नहीं दिया था। और ऑब्वियसली आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है, और आपको मेरे चैनल पे ये सब पेनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियोज़ मिल ही जाएगी। देखिए, हर एक चीज़ में मिल रही है। पर ऐसा है ना कि अब ये स्टॉक गिरे जा रहा है और उसका रीज़न हमें जानना है, तो जानेंगे इसी वीडियो में। ये देखिए, आज 2% की गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक में। और अगर हम 5 दिन की चार्ट के पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर जो गिरावट का पैटर्न है ना, ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने वीडियो बनाया और सोचा कि आपको भी बता दूँ और आप भी इंजॉय कर लोगे इस स्टॉक से रिलेटेड। ये देखिए, ये ऊपर गया और ये ऐसा ऊपर गया और ये मस्त सा पैटर्न बना दिया। देखिए, मतलब थोड़ा हमें फ़न वे ढूंढना है। हाँ, मैं बहुत इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, एक हफ्ते में इसने 0% की रिटर्न दिया, यानी ये ऊपर गया और यहाँ इस पीक को टच करके नीचे आ गया है ना। तो हमें जानना है कि ये देखिए, इसने कितना परसेंट रिटर्न दिया था, ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर गया, फिर 3.5% नीचे आ गया। अब हम अब क्या अब क्वेश्चन उठता है कि अब क्या हमें इस स्टॉक में क्या करना है। तो एक सीधा सा जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि आप इसका मैक्स पैटर्न देख लीजिए। ये जो इसमें बढ़ोतरी दिख रही है ना, ये हल्की सी दिख रही है और बाकी तो ये यहाँ पे मरा पड़ा था। हाँ, मैं सॉरी, थोड़ा गलत लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, पर यहाँ पर ये मतलब ऐसा ही मतलब बेजान सा पड़ा था, पर इसमें थोड़ी सी जान यहाँ पर आई। और अब आपको पता है, इसने फेब के महीने में अपना एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड कारोबार भी बता दिया। ये देखिए, यहाँ पर एनबीएफसी बिजनेस उसने वो भी लॉन्च कर दिया। और एनबीएफसी नाम जब मेरे दिमाग में आता है ना, तो मुझे पीएमसी फिनकॉर्प से अच्छा स्टॉक और कोई दिखता नहीं है। बट उसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, वही एक इसका कौन है। और अब इस कंपनी का कौन जो देख लेते हैं ना हम, कि इसका भी वही सब है, पर इसके अंदर ना एक मतलब प्रो है जो पीएमसी फिनकॉर्प में नहीं था, वो है कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड कर रही है, पर पीएमसी फिनकॉर्प में वो बुक वैल्यू से डबल में ट्रेड कर रही है। तो आपको ओवर वैल्यूड स्टॉक मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स, बट उसके अंदर 1000 तक जाने की क्षमता है। अब वो 3 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और अभी आपको पता है, पीएमसी फिनकॉर्प हो गया, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हो गया, और इंडियन इंफोटेक हो गया, जो भी सब पेनी स्टॉक्स है ना, लॉयड स्टील हो गया, सब है ना एक अच्छी खासी बढ़ोतरी के बाद है ना एक अभी लोअर सर्किट का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखा दी है, अब इनका थोड़ा नीचे जाने का टाइम आ चुका है। तो हमें भी है ना थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा। इस स्टॉक ने जितने अच्छे रिटर्न इतने टाइम में हमें दिए हैं ना, तो वो थोड़ा सा उसका बदला भी तो लेगा ना। हाँ, हर एक स्टॉक को कंसोलिडेट करने का उसका एक पीरियड होता है जिसमें वो खुद को फ्रेशन अप करता है। अगर वो ऊपर जाया जा रहा है तो वो थक तो जाएगा ना, तो उसको कंसोलिडेट करने का टाइम चाहिए। और थोड़ा सा नीचे भी जा रहा है तो भी उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है स्टॉक की। तो मैं मेडिकल टर्म से थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ आपको, और जैसे कि हमें देखना चाहिए, और ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। आपको टारगेट चाहिए ना, मैं आपको टारगेट दे देता हूँ। ये देखिए, ये 1.10 रुपये तक का अभी चल रहा है और कल और नीचे गिर जाएगा। देखिए, ये कल कितना था, कल था ऑलमोस्ट मंडे को कितना था, 0.02% गिरा है, यानी 1.12 रुपये था, और आज हो गया है 1.10 रुपये, यानी कल हो सकता है वो 1.08 रुपये। और मुझे तो लगता है ना, साइकोलॉजिकल और फंडामेंटल सपोर्ट जोन 1 रुपये का है। हाँ, 1 रुपये से ज़्यादा वो नहीं गिरेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट जोन है और उससे ज़्यादा पब्लिक इसे गिरने नहीं देगी। 1 रुपये पर है ना लोगों ने बाय ऑर्डर्स लगा के रखे हैं, तो जैसे ही 1 रुपये पर स्टॉक टच होगा, वैसे ही अपने आप GTT ऑर्डर्स प्लेस हो जाएंगे लोगों के, और वो ट्रिगर होके वो वहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि देखिए, इसकी कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन है ना, ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड्स और HDFC एसेट मैनेजमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से, देखिए आपको यहाँ पर 7 के 7 जो कंपनीज दिख रही है ना, वो एकदम बाजार के हाथी है। आपको पता है, ये देखिए, इसका मार्केट कैप कितना कितना बड़ा है, और इसका तो 100 करोड़ के आसपास है, बाकी लोगों का लाखों करोड़ों में। तो आपको यही अपने ध्यान में रखना है कि जब बाजार के हाथी से इनका कंपैरिजन हो रहा है ना, अगर ये अच्छा थोड़ा परफॉर्मेंस देगा तो इसका बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो ये मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर कर सकता है। देखिए, बाकी सब स्टॉक 500, 2000, 12000 तक के ट्रेड कर रहे हैं, और ये स्टॉक सिर्फ 1 रुपये का ट्रेड कर रहा है।
तो इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आनी बाकी है, और जैसे ही बढ़ोतरी आएगी हमें उसका फ़ायदा उठाना है। देखिए, मैं आपको कभी नहीं कहता कि अपना पूरा कैपिटल डाल दो पेनी स्टॉक में, बट मेरी सीख हमेशा यही रहती है कि अपना 2% कैपिटल पेनी स्टॉक में डालो। तो 2% से ज़्यादा हमें किसी भी पेनी स्टॉक में नहीं डालना है। देखिए, इसके कॉन्स बहुत सारे हैं, हर एक पेनी स्टॉक का ये रहता है, पर मैं आपको जो भी पेनी स्टॉक बताता हूँ ना, उसका एटलीस्ट एक प्रो ये रहता है कि वो डेब्ट फ्री रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देख के ही किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश करना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोच रहे हो। तो आपको बस राकेश झुनझुनवाला जी की स्टोरी नहीं दोहरानी है कि वो कैसे पेनी स्टॉक से 1,000 रुपये का स्टॉक बन गया। हाँ, ऐसे बहुत से चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं, हर एक स्टॉक ऐसा नहीं होता है, तो हमें जानना और पहचानना है। देखिए, इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट है ना, इतने सालों से माइनस में दे दिया है। देखिए, इसका नेट प्रॉफिट है ना, कभी 1 करोड़ के ऊपर गया ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब ये 1 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट चले जाएगा ना, तब हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर अभी तक हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जो हम ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सके। हाँ, मैंने आपको जो सजेशन दिया था वो एनालिसिस के बेस पर दिया था, और मैंने एनालाइज करके भी बताया था आपको कि हाँ, ये एनालिसिस है और आप देख लो, और बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट भी किए थे और अच्छा रिटर्न भी मिला है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने बड़े लेवल पर बाइंग की है, जैसा कि यहाँ पर आपको 1 रुपये 14 पैसे तक बाइंग की है, तो आप उसे होल्ड करके रखिए, आपको ज़रूर की ज़रूर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट इसको लॉस में मत बेचना, क्योंकि ये कंपनी ख़राब नहीं हुई है, डूब नहीं गई है, और ये लिक्विडेट नहीं होने वाली है, बिकॉज़ अभी ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है। अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो तो आप तक पहुँचा दी जाएगी इस चैनल से, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी न्यूज़ सेक्शन में कुछ भी ज़रा भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है। और बाय द वे, 83% लोग इसे बाय करने की सलाह दे रहे हैं, पर फिर भी ये लोअर सर्किट में जा रहा है, बिकॉज़ लोग पैनिक है। जब वो सिचुएशन को देखेंगे, और अगर कोई बड़ा प्लेयर एंट्री लेगा, और जब उनका टारगेट हिट होगा GTT ऑर्डर का, जो 1 रुपये का है, वो हिट होगा, तो वहाँ से एक अच्छी बढ़ोतरी आने की संभावना है, और वो ज़रूर आएगी। तो हमें उसके लिए वेट करना है, हमें ज़रा भी पैनिक में आके शेयर्स बेचने नहीं है। देखिए, अगर आप पैनिक में आ रहे हैं ना, तो आपको पैनिक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज नहीं है, उन्होंने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, मतलब ऐसी कोई धड़ाम से गिरावट नहीं आ सकती है। और मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो मार्केट ओपन होने के टाइम पर देख रहे हो, यानी मार्केट अभी चल रहा है, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है HDFC एसेट मैनेजमेंट में, क्योंकि वो आपको बहुत ही उसके शेयर्स बिकने वाले थे, तो आपको वो अच्छे दाम पर मिलने वाला है, तो आप उसे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप यहाँ पर फंडामेंटल से ना screener.com पर आके देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 80% होल्डिंग पब्लिक के हाथ में। तो ऐसे स्टॉक को मैनिपुलेट करना एकदम इजी होता है, ऑपरेटर्स का खेल होता है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें ऑपरेटर्स का अभी फ़िलहाल कोई खेल है, बिकॉज़ आप स्टॉक का पैटर्न एक बार देख लीजिए, 6 महीने का पैटर्न देख लीजिए। ये देखिए, ये ऊपर जाता है और नीचे आता है, ऊपर जाता है और ये थोड़ा अभी करेक्ट हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी PNC फिनकॉर्प में क्या हुआ था कि एक ही बार में ऊपर चले गया। हाँ, ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो हुआ था, पर जो पैटर्न फॉलो हुआ था ना, वो ऐसा हुआ था, तो उसमें गिरावट अच्छी खासी आने की संभावना है। तो हमें उसका देख के चलना है, रिजल्ट भी देख के चलना है। तो इसके अंदर हमें अभी कुछ ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको इसमें डर लग रहा है, तो आप PMC फिनकॉर्प जैसे स्टॉक को देख सकते हो, वो भी NBFC बिजनेस करती है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जो SEBI के अंडर रजिस्टर्ड है। तो देखिए, इसका जो स्टॉक PE है ना, वो दिखा नहीं रहा है, और बुक वैल्यू आपको 2.25 रुपये मिल रही है, ऑलमोस्ट 2.5 रुपये, तो आपको इतना नीचे ट्रेड करके मिल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जय हिंद, जय।